ओके, हेलो एंड वेलकम, दिस इज आदित्य सांगवान और आज हम मनी शंकर अय्यर के साथ में हैं और उनकी दो किताबें आई हैं। एक तो उनके मेमोर्स हैं जो पहला ये वर्जन है, इसके बाद दूसरा आएगा इसी के साथ में, द राजीव आई न्यू, ये रिसेंटली आई है। तो इसको मैं पढ़ रहा था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है, इसमें काफ़ी कहानियाँ हैं और साथ ही साथ में द राजीव आई न्यू में पर्सनल स्टोरीज हैं, सर के पर्सनल एनकाउंटर, फिर और भी काफ़ी लोगों की कहानियाँ राजीव गांधी के आसपास में। सर, वॉर्म वेलकम, हाउ आर यू डूइंग? शुक्रिया। सो कैसा चल रहा है, हाउ इज लाइफ? सॉरी, हाउ इज लाइफ, हाउ यू बीन? मैं ठीक ही हूँ। मैं जब ये आपकी किताब पढ़ रहा था तो इसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जिक्र है जिसमें वो कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में, तो आप भी जब पाकिस्तान गए तो आपने भी वहाँ का जो अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट था 10 तारीख का, ऐसा हुआ कि जब मैं पंचायत राज का भारत के स्वतंत्रता के पश्चात पहले पंचायत राज मंत्री बना, तब मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान का अनुभव है इसी क्षेत्र में और हमारा जो अनुभव है उसके बारे में हमने आपसी चर्चा की तो शायद वो कुछ सबक सीखेंगे और हम भी कुछ सीख लेंगे। तो 55 लोगों के साथ मैं पाकिस्तान गया और जबकि हमारी मुलाकात लाहौर के मेयर से हुई जो एक जमात इस्लामी का मेयर था, तो वो बस कहने लगे कि हमने सब डिजिटलाइज कर दिया है, तो ये देखने के लिए कि वो कुछ सच बोल रहा है या इज ही टॉकिंग इन एन एग्जैजरेटेड मैनर। मैंने उनसे कहा कि डू यू हैव द रिकॉर्ड्स फॉर 1941? तो ही सेड यस। तो आई सेड डू यू हैव देम फॉर अप्रैल 1941? कुछ थोड़ी झिझक के साथ उन्होंने कहा हाँ होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे खास पता करवाना है कि 10 अप्रैल 1941 का रिकॉर्ड है आपके पास? ओके। तो उन्होंने कहा होगा। तो मैंने कहा, लेकिन पूछा कि क्यों उस दिन की खास जिक्र आप कर रहे हैं? तो मैंने कहा क्योंकि इसी शहर में मैं उस दिन पैदा हुआ था और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आप मुझे दे सकते हैं और मुकाबला होगा परवेज मुशर्रफ जी से जो कि दिल्ली गए थे और अपना बर्थ सर्टिफिकेट मांगा और पूरे 3-4 महीने लगे हमारे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को उसको ढूंढ निकाल कर भेजने के लिए। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी जल्दी दे सकते हैं। तो ये बात हुई शाम के कोई 6:30 बजे। तो अगले दिन में जब मैं नीचे आया कॉन्फ्रेंस में तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा लिफाफा मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसको मैंने खोला और उसके अंदर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था। अच्छा। और इस पर सबकी तालियां लगने लगीं और मैंने भी ताली लगाए, और लेकिन उसमें एक अनोखी चीज़ थी, उसमें लिखा था कि मेरी पैदाइश का दिन 9 अप्रैल है। अच्छा। लेकिन मुझे याद रहा कि मेरी माँ, मेरे समझ में नहीं आया क्यों, बार बार उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं 24 मिनट 12 बजे के बाद रात को मैं पैदा हुआ था, इसलिए मेरा जन्मदिन 10 अप्रैल है, 9 अप्रैल नहीं है। अच्छा। और अब मेरे समझ में आया कि उनका जो दाखिलात हुआ अस्पताल में, मेयो हॉस्पिटल में, वो 9 तारीख को हुआ होगा और उन्होंने सही नहीं देखा था कि किस टाइम पर मैं पैदा हुआ। लेकिन उस वक्त द्वितीय महायुद्ध चल रहा था, तो सारे जो समय थे भारत में, मतलब ब्रिटिश भारत में, वो बदले गए थे और आधा घंटा ज़्यादा समय दिया गया था। तो उस समय के अनुसार, मतलब आज के समय के अनुसार, शायद मेरे जन्मदिन 9 अप्रैल है और 10 अप्रैल नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान हमारे से आधा घंटा पीछा है तो शायद मैं 12 बजने के 6 मिनट पर पैदा हुआ। अच्छा। और 24 मिनट के बाद नहीं। तो शायद यही कारण है कि हमारे ज्योतिष सारे गड़बड़ करते हैं और मेरी ज़िंदगी में बहुत ऊपर चढ़ाव रहा है, क्योंकि भगवान तय कर रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये 9 तारीख को पैदा हुआ या 10 तारीख को पैदा हुआ। लेकिन ऐसे मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट हासिल किया, मैंने उन सबको मुबारकबाद दी और उनसे कहा कि आप हमारे आगे हैं।